हाउ आर यू टुडे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो जी आज ये वीडियो शुरू कर ले क्योंकि मैंने कहा आप लोगों के साथ एक और शॉपिंग शेयर कर लूँ, और आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों ऐसे बेफजूल शॉपिंग शेयर करती जा रही है, व्हाट्स द डील विद हर। तो बताने लगी हूँ व्हाट्स द डील विद मी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है जाने। फायर पे लगी है 50% की ऑफ, एंड आई वॉज नॉट अ गुड फैन ऑफ ब्रांड्स क्लोदिंग एनी मोर। अच्छा ये ब्रांड्स जो है ना, दे यूज टू बी आउट ऑफ एक्सेस, और एक्सेस यस दे वॉज आउट ऑफ आवर एक्सेस, एक्सेस ही कहते हैं ना इसको, यस किसी के यू नो आप पे भी होना है, नहीं हो I am laughing at myself alone sitting in a room. Let's come back. Let's gather ourselves and not get distracted by those who criticize on my English. They have launched the sale and I have came across that instead of going outside and having you know buy products from the store jahan aapko जाना पड़े, और यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव कार्ड और तो फिर आपको किराया लगा के जाना पड़ेगा, बट यू कैन बाय देम एट होम। और फिर जब आई हैव ट्राइड, जब आप स्टोर्स पे भी जाते हैं ना, पर्सनली आई गेट हेजिटेट टू मेक अ ब्लॉग, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जाके ना अक्सर आपको अच्छे जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो आउट ऑफ स्टॉक मिलती हैं। Yes, it does happen to me. Lekin when you buy online, what happened is you went into their warehouse. ठीक है ना, आप उनकी फैक्ट्री में डायरेक्ट घुस जाते हैं और यू कैन सी एवरीथिंग। कोई आपको जज नहीं करता कि आप प्राइस टैग देख रहे हैं, कोई ये नहीं देखता कि डिलीवरी चार्जेस डाल के कितना पड़ जाएगा, कोई ये नहीं देखता कि फलाना क्या पड़े। प्लस देन यू गेट न्यूज राइट अवे सिटिंग ओवर देयर, अभी आपको बैठे बैठे पता लगा कि सेल लगी, एंड यू कैन जस्ट विजिट द स्टोर, क्योंकि जाना कहना किसी को इकट्ठा करना इट टेक्स टाइम, बट यू नो आई लव डूइंग दैट एंड आई थिंक आई एम गोना कीप डूइंग दैट। और इससे ये होता है कि आप को ये नहीं कि बाहर निकले तो चलो ले लो, आए हुए तो ले लो, आए हुए तो ले लो, यू कैन कीप इट ऑन अ होल्ड, और आप दो दिन बाद भी ले सकते हो, वो वहीं आपकी कार्ट में पड़ा रहता है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। अच्छा जी चले जी, हमने की है सफायर से शॉपिंग, और सफायर के जो पार्सल हम जो दो किस्तों में मिले हैं, दो किस्तों में इस तरह मिले हैं कि दे हैव मेंशन ऑन देयर वेबसाइट्स के जो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स है वो आपको अलग आएंगी, और इसके अलावा आपने कोई शॉपिंग किया तो वो आपको अलग से डिलीवर होगी। खैर प्राइस में और डिलीवरी चार्जेस में कोई फर्क नहीं है, वो जितना आपको वहां पर मेंशन किया है उतना ही चार्ज करते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं करते। बट ये है कि मेरे जैसे लोग जो कहते हैं भी वीडियो बनानी है और आधा पर्सल आ गया आधा नहीं आया, तो उनको थोड़ी हेजिटेशन हो सकती है। एनी हाउ चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े को, अगर आपने भी सफायर से ऑर्डर किया है तो आपको मिलेगा जी स्प्लिट ऑर्डर, ठीक है जी। और ये एक पार्सल मुझे रिसीव हो गया फ्रॉम सफायर, चलो जी इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या आया। अच्छा ये मैंने इसको सीधा किया था, जस्ट नोटिस्ड कि यहाँ से थोड़ा सा इसमें देखिए सुराख हुआ हुआ, ये मैंने पहले नहीं देखा। चलो जी ओपन करने से इसके अंदर से ये इनवॉइस भी निकल आया, और इस तरह के दो बैग्स निकले हैं। यस दिस इज़ द बैग जो एक नेट का बना हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल आई हैव ऑर्डर्ड, और ये है जी सेकेंड आर्टिकल। चलो मैं खोल के भी देखते हैं। अच्छा ये जो आर्टिकल ये जो बैग्स है ना ये देखें बिल्कुल यूजलेस है, यू कैन नॉट री यूज दैम। ये ऊपर से यहाँ से कोई जिप नहीं, कोई इसका लॉक नहीं है, अपेरेंटली दिस इज अ थिंग राइट नाउ। चलो जी खोल के देखते हैं। ओ इसमें भी एक पैच निकल आया, एंड माई सिस्टर जस्ट हेट दीज पैचेस। बाकी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा जी ये है जी दूसरा आर्टिकल, और ये यहाँ से ना इसकी सिलाई हुई है, सो आई हैव टू ओपन इट। इसमें कोई वो जिप वगैरह नहीं, कोई बैक कवरिंग नहीं है। कलर तो बहुत वाइब्रेंट है, और इस वन पीस के भी
टू पीस मुझे रिसीव हुए हैं। ये है जी फ्रंट पार्ट और ये है जी बैक पार्ट। चले मैं अभी आपको खोल के सही तरह दिखा। अच्छा, इस कपड़े का जो मटेरियल है ना वो प्योर कॉटन है और इसके साथ ये इस तरह का एक पैच है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस लगी हुई है और उसमें आप तरीजों की तरह जो है ना वो पैच जो आप लगवा सकते हैं। इसमें पैच लगवाना इतना कोई खास मुश्किल नहीं था, ये मैंने दर्जी से ही दिया और उसको कहा कि ये पैच सीधे सीधे जो है ना तरीजों की तरह आप डाल दें तो वो पैच जो डल गए। बाकी इसके दुपट्टे के अंदर एक सेल्फ प्रिंट भी है और आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, दुपट्टे का जो कपड़ा था ना वो बहुत ही खूबसूरत था और यू नो सर पे टिकने वाला और एक अच्छा मटेरियल हवादार कपड़ा था। मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और इसके साथ ये भी एक टू पीस है जिसकी प्राइस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ एक एक्स्ट्रा ये पीस भी था जो आप शर्ट को लेंथ देने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको बाजुओं का कपड़ा जो है वो और ज़रा लंबा करना है तो ये एक छोटा सा उन्होंने पीस साथ दिया था ताकि आप उसके साथ अपने लेंथ जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकें। बाकी अगर अब इसको मैंने पानी में भी भिगो कर देखा था तो इसका कोई रंग जो है वो नहीं निकला, यानी कि कपड़े की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी थी। ऐसी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक और ब्रांड से कपड़े बाय किए और वहाँ पर जो कपड़ा आया उसमें मुझे थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना वो मिसअप हो गया है। बाकी इस कपड़े के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका कोई रंग जो है वो इधर से निकल के उधर नहीं लगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग। चलिए मैं अब आपको दूसरी शर्ट भी खोल के दिखा देती हूँ। उसका प्रिंट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि इसका कपड़ा कुछ थोड़ा ज़्यादा था और इसमें से मैंने कुछ कपड़ा जो है वो निकाल कर हानिया का ड्रेस भी साथ बनाया है और वो कैसे बनाना है अगर आपको जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको बताऊँगी कि अपनी शर्ट में से कपड़ा किस तरह निकाला जाता है और अपनी बेटी का या किसी और का जो अगर कपड़ा बनाना हो तो वो किस तरह बनेगा। बाकी बहुत मज़े का प्रिंट था, मैंने अभी तक ये प्रिंट कहीं पर नहीं देखा सो आई थॉट लेट्स बाय दिस। इसकी भी प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, आप वहाँ से देख लेगा। उसके बाद शर्ट को मैंने निकाल दिया था और इसी पानी में मैंने दूसरी शर्ट जो है उसको भी भिगो दिया था और देखा कि कहीं इसका रंग भी तो नहीं निकल रहा, तो जी इसका भी कोई रंग नहीं निकला। अपनी शर्ट्स को आपको तकरीबन 20 मिनट्स आधा घंटा जो है वो ज़रूर भिगोए रहने देना चाहिए और उसके बाद ही उसको आप जो है वो सिलने के लिए दें। बाकी इतने अरसे में ही आपको पता लग जाता है कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है और उसका रंग जो है वो फैल रहा है कि नहीं। बाकी जब आप कपड़े को निकाल लें तो उसको पंखे के नीचे सुखाया करें, उसको बाहर धूप में जो है ना वो आपने नहीं डालना। अब बारी है जी परफ्यूम की और परफ्यूम मुझे इस तरह अलग से पार्सल में रिसीव हुआ था, जिस तरह वो रिसीव हुए हैं वो उसमें था आई थिंक होली बैग, बट ये है जी एक बॉक्स में आया है परफ्यूम और परफ्यूम मैंने कोई इतना महंगे वाला नहीं बाय किया था, 2000 वाला नहीं बाय किया। इस तरह आपको ना थोड़े से इन और बहुत एहतियात से पैक हुआ हुआ था जी, बाहर भी इसके बहुत ज़्यादा बबल रहा था। अच्छा जी, दिस इज़ द परफ्यूम जो एक अगेन पॉलिथिन बैग में है एंड इट फील्स लाइक कि ये शीशे का होगा और जितना हैवी है ना लग रहा था कि हैवी शीशे का, बट इट्स नॉट, इट्स प्लास्टिक बॉटल, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना इसकी पहली लुक जो है ना इट डज गिव यू अ वाइब ऑफ यू नो ग्लास मटीरियल बट इट इज़ नॉट। और इसके नोट्स कैसे हैं, इसकी स्मेल बताती हूँ कैसी है। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग इट अ परफ्यूम, इट्स अ बॉडी मिस्ट और ये एक डे टाइम मिस्ट है जी एंड हैप्पी इज़ द न्यू रिच यू कैन कॉल दिस एंड दिस लाइट न्यू फ्रेगरेंस विल कीप यू फ्रेश happy and will work like a charm to your kickstart day for all day. अच्छा जी, it's a sapphire perfume और नाम है जी इसका XOX, जिसका मतलब होता है जी hugs and kisses। और ये परफ्यूम जो है इसके नोट्स की अगर बात नोट्स हैं जी मंगोलिया लिली ऑफ द वैली, सिट्रस नोट्स हैं जी, हार्ट नोट्स में है रोज पेटल्स, लोटस, जैस्मिन एंड ओजनिक। उसके बाद जी बेस नोट्स हैं जी वाइट मस्क, एम्बर एंड स्वीट वुड एंड उतरेगा। बाकी इसकी स्मेल बहुत मजे की है और आई रियली लव इट और आई लव इट और इसके इसके अंदर 250 ml है और प्राइस इसकी हाफ है, ठीक है ना, प्राइस हाफ है और क्वांटिटी डबल है। सो आई थिंक दिस बॉडी स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है वो मैंने आई थिंक इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग जितना परफ्यूम को होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है फ़र्क तो पड़ता है बॉडी स्प्रे में और
परफ्यूम है। अच्छा जी बेटी, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, यहाँ से स्क्रू ओपन हो सकती है बॉटल? नो आई डोंट थिंक सो। अच्छा इट्स नॉट अ स्क्रू ओपन, मुझे लगा था शायद स्क्रू ओपन हो जाए तो वी कैन री यूज दिस बॉटल फॉर एनी काइंड ऑफ स्प्रे पर्पज, सो इट्स नॉट दैट। बाकी ये जी के ये थी मेरी आज की सारी सफायर की शॉपिंग। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि सफायर पे 50% ऑफ लगा है तो या इट्स अ न्यूज़ फॉर यू, यू कैन चेक इट आउट। आई विल जो मैंने हैशटैग लगाया हुआ है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गो स्ट्रेट टू द सफायर वेबसाइट। सो या दिस इज माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव्ड वंस अराउंड यू। एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दीज अदर शॉपिंग वीडियोज दैट आई बीन पोस्टिंग। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर वन मोर पार्सल, या one more parcel, so yeah, upcoming. Thanks for watching guys, Allah Hafiz.